हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम पतंजलि का जो सौंदर्य लोशन आता है इसके बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसा लोशन है और इसके हमारे लिए क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, अगर ये अच्छा है तो कैसे है और अगर अच्छा नहीं है तो भी हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं। आज मैं आपको इसका ऑनेस्टली जो इसके हमने रिजल्ट्स पाए हैं वो सब बताऊंगी। तो बात कर लेते हैं हम पतंजलि सौंदर्य के बारे में। इसके साथ ही हम स्किन के कुछ और टिप्स भी जानेंगे। हमारी झुर्रियाँ जो आ जाती हैं स्किन पे, ज़्यादातर विंटर्स में स्किन पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उसके लिए भी हम जानेंगे और आइज़ के जो डार्क सर्कल्स हैं उनके बारे में भी आज हमारी चर्चा में इंक्लूडेड रहेगी कुछ विशेष जानकारी। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पतंजलि सौंदर्य लोशन के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। साथियों, ये है देखिए पतंजलि का सौंदर्य बॉडी लोशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर इन्होंने प्राइस जो है उसे रिड्यूस किया है, इसे 60 रुपये का किया है, यानी आपको 40 रुपये इसमें बच रहे हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो ये मॉइस्चराइज करता है, नरिशेज करता है और स्किन को फेयरर बनाता है। लेकिन फेयरर की बात मैं यहाँ पर नहीं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो मॉइस्चराइज करने में हमने सही पाया है। नरिशमेंट की बात कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन और कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करने के बाद ही हम इसे हेल्पफुल पाते हैं। और आप ये देख सकते हो ये बॉडी लोशन है, यानी कि जब कोहनी वगैरह जो विंटर्स में सूख जाते हैं हाथ पांव, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा जो है आप सभी को पता भी है कि ये वाला जो यहाँ देखिए देखने में आ रहा है, जो ये इस तरह की पत्तियाँ होती हैं जिनमें जेल होता है, तो ये प्राकृतिक रूप से स्किन के लिए काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसके काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट्स होते हैं स्किन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसके जो तत्व हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नारियल तेल है और मैं नहीं देख पा रही हूँ, गेहूं का तेल भी है। गेहूं का तेल भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और यहाँ से आप देखिए ये पतंजलि आयुर्वेद का प्रोडक्ट जो है वो बनाया हुआ है और यहाँ पर ग्रीन साइन जो है वो ये बताता है कि पूरी तरह से इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कोई भी सही प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं, कोई भी नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लिए गए हैं। और ये देखो इसमें अगर हम बात करें, इसमें बादाम भी मिक्स हैं, बादाम का तेल जो है वो उसमें मिक्स है, हल्दी है और चंदन भी इन्होंने बोला है। तो कुल मिलाकर अगर रिजल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट लगभग अच्छा ही रहा है और लोशंस के मुकाबले, जैसे वैसलीन लोशन है तो हम इसे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसे पूर्णतया आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आपकी स्किन को इतना नरिश करता है। जो लोग साबुन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनके लिए मैं इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि साबुन से स्किन रूखी सूखी ऑलरेडी हो जाती है और ये उस पर पूरा काम नहीं करता है। लेकिन जो लोग प्राकृतिक तरीके से जैसे रीठा के पानी से या मुल्तानी मिट्टी से या ओनली वाटर से स्किन को साफ करके इसे अप्लाई करते हैं, तो मुझे इसका रिज़ल्ट ठीक मिला है। बच्चों के लिए मैं इसे नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन बड़ों के लिए ये सही है, अच्छा है। बुजुर्ग लोगों के लिए इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं देखने में आएंगे, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा रूखी हो जाती है। तो बॉडी लोशन के रूप में हम खास करके जब विंटर्स में हमारी स्किन रूखी सूखी हो जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसे समर्स में कुछ लोग प्रयोग में लाना चाहते हैं जिनकी ड्राई स्किन है तो इसे प्रयोग में ला सकते हो, लेकिन ऑयली स्किन वालों को समर्स में ये प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप ये सब इसकी जो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जानकारी सब बताई है। यहाँ पर आप देखिए हल्दी का एक्सट्रैक्ट इसमें इन्होंने यूज़ किया है। हल्दी एक्सट्रैक्ट को मैं अच्छा मानती हूँ स्किन के लिए और ये हमें 60 रुपये में 100 ml यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें कस्टमर केयर नंबर भी
दिया हुआ है जिस पर आप इसकी अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। ये कस्टमर केयर नंबर है इसका, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देख लीजिए ये कस्टमर केयर नंबर है। इसमें हमने एक प्रयोग जो किया था उसमें पतंजलि कैस्टर ऑयल को हमने स्किन पे अप्लाई किया, तो उसमें झुर्रियों की जो समस्या है उसे काफ़ी कम करने में मदद मिली है। मैंने आपको शुरू में जो बोला था कि हम झुर्री के लिए बात करेंगे, फेस पर जो रिंकल्स आ जाते हैं या जो आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उसके लिए इसका हमने बादाम तेल प्रयोग में लाया। प्रतिदिन रात को लगा करके सोना होता है, और कभी भी चेहरे पर साबुन का प्रयोग ना करें। और काले घेरे जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ अप्लाई करने से ही ठीक हो जाए, उसके लिए आप कुछ इनटेक भी कर सकते हो। इसके लिए होम्योपैथी रेमेडी जो है उनमें काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकती हैं, जिसमें हम वहाँ पर जो डार्क सर्कल्स की जो इनटेक करने की मेडिसिन हैं, ग्लो केयर वगैरह जो आते हैं लोड्स के, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनका मैं एक अलग वीडियो आपको बना के बताऊँगी, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उनके लिए। और ख़ास करके जो जो काले घेरे जो आ जाते हैं उसके लिए हम फिर बात कर लेते हैं कि जो कैस्टर ऑयल है इसी का और बादाम का ऑयल, इसे आप प्रयोग में ला सकते हो। कैस्टर ऑयल में आप गुलाब जल मिक्स करके, और इसकी जेल आती है कोई भी अच्छी कंपनी की, आप जेल ले लीजिए उसे मिक्स करके अप्लाई कर दीजिए, लेकिन उसे रब नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करके हल्के हाथों से अप्लाई करके छोड़ देना है, और सुबह उसको हल्के गर्म गुनगुने पानी से धो करके, सुखाना नहीं होता है क्योंकि इससे स्किन ख़राब होती है, तो वैसे ही छोड़ दीजिए अपने आप सूख जाती है प्राकृतिक रूप से। तो एक काफ़ी समय बाद, थोड़ा टाइम लेते हैं काले घेरे मिटाने के लिए। कुछ जब हमने होम्योपैथी की जो क्रीम्स के जो रिव्यूज़ बनाए थे तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि इससे चेहरा ख़राब हो गया, तो देखिए चेहरा ख़राब होने के लिए ये नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट पर भरोसा करके अपने चेहरे को अच्छा बना सकते हो। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ऐसा चमत्कार कोई भी नहीं है जिससे लगाते ही जो है फेस सुंदर होने की बात हम करें, ऐसा नहीं है। ईमानदारी की बात ये होती है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई अन्य प्रोडक्ट अपना माइंड यूज़ करते हुए, अपना विवेक यूज़ करते हुए यदि प्रयोग में लाते हो तो निश्चित रूप से आपकी स्किन जो है अच्छी बनी रह सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख़ास ध्यान जो रखनी है वो ये है कि केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। ये टाइम लेगा आपकी स्किन को अच्छा करने में, थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ये मैं कहती हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आपकी स्किन कुछ टाइम बाद बिल्कुल नॉर्मल से भी अच्छी हो जाएगी। और जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, उसके संबंधित भी हम अपने वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और इसी के साथ ही आप देखते रहिए जो इस तरह के केयर वाले वीडियोज़ हैं, तो खान पान पर और वातावरण में रहने का भी हमारी स्किन पर असर पड़ता है कि आप कौन से कैसे पोल्यूशन में तो नहीं रह रहे हो या कितने केमिकल्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी हमें वो भी हमारी स्किन के लिए मायने रखता है। तो इसीलिए हम हर प्रोडक्ट्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट जो है 100% होगा, तो अलग अलग लोगों के लिए इसके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, तो वो उस प्रोडक्ट्स को पहले चेक करके फिर यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी जो जानकारी है वो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर योर टाइम। पिचकारी मुरारी रंग बरसे, रंग